अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भोलेनाथ, मैंने राधिका को जो दुख दिए हैं मुझे वो ठीक करने, वरना मुझे वो मलाल हमेशा रहे। भोलेनाथ, राधिका की सच तक पहुंचने में मदद कीजिए। राधिका, तुम हमें यहाँ मंदिर में लेकर के क्यों आई हो? माँ जी, मैं नानी जी को यहीं पर बुलाना होगा। हमारे पास एक आइडिया है। ले लीजिए माँ जी, बुलाइए नानी जी को। ठीक है राधिका, माँ को फोन करते हैं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हेलो वृंदा, हाँ हो तुम? सही सलामत पहुंच गई ना अपनी जगह? हम भी बाहर ही हैं। राधिका आ गई थी, उसका कोई भरोसा नहीं है। वो दोबारा आ सकती है, इसलिए हम बाहर ही छुपे हुए हैं। दोबारा नहीं जाएंगे तुम्हारे घर में। माँ, माँ, हम बोल रहे हैं। सुजाता, सुजाता तू? हाँ माँ। आप कैसी हैं? आपने ऐसा क्यों किया माँ? हम आपको कितना याद कर रहे थे, आप हमसे आकर के मिले। बेटा, हम ठीक हैं। आप कहाँ हैं आप? माँ, माँ, हमें बचा लीजिए, हम जेल नहीं जाना चाहते। माँ, हमें बचा लीजिए। जेल? लेकिन तुम जेल क्यों जाओगी? अरे क्या किया तुमने? वो राधिका ने बाजार में कहीं आपको देख लिया था, तो उसने आपके खून के इल्जाम में हमें फंसा दिया है। और पुलिस हमें ढूंढ रही है माँ। माँ, पुलिस से बचते हुए हम हर जगह छुप रहे हैं। माँ, माँ, हमें बचा लीजिए माँ। पुलिस? हाँ 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 माँ, पुलिस हमें हर जगह ढूंढ रही है माँ। माँ, हम पुलिस से छुप रहे हैं। हम ये पहाड़ी के ऊपर वाले शिव मंदिर पर है, प्लीज हमें बचा लीजिए माँ। हेलो माँ, हेलो। क्या 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 हुआ माँ जी? फोन कट हो गया राधिका। हाँ हाँ, फिर से फोन ट्राई करते हैं। हाँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं माँ में बचाने के लिए आएंगे कि नहीं। जल्दी करो, हमें समय पर अदालत पहुंचना है। कल लगता है ब्रेक फेल हो गया। लगता है सर गाड़ी खराब हो चुकी है। पांडे, पता करो दूसरी गाड़ी कहां पहुंची है, आज हम कोई चांस नहीं ले सकते। माँ जी, आप नानी जी को बेहतर तरीके से जानती हैं, आपको क्या लगता है वो आएंगी कि नहीं? हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती है राधिका, वो सख्त जरूर है लेकिन हमें तकलीफ में नहीं देख सकती। वो जरूर आएंगे। ठीक है, फिर हमें इंतजार करना होगा। हेलो, हाँ भाभी। क्या तुम जी सुनवाई के लिए अदालत पहुंचने वाले हैं? ठीक है ठीक है भाभी, जैसे ही सुनवाई शुरू होगी ना, आप प्लीज हमें फोन कर दीजिएगा।
जी। अच्छा तो इसका मतलब कली घर की विभीषण है, वो तुम्हारी मदद कर रही थी। माँ जी ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप प्लीज एक बार नानी को वापस से फोन कीजिएगा, उनका यहाँ पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिवम जी अदालत पहुँचने वाले, उनकी सुनवाई शुरू होने वाली है। ठीक है, हम माँ को फिर से फोन ट्राई करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ हमें धोखा दे देंगी और माँ के इस खेल के चक्कर में हमारे मुन्ना को सजा हो जाएगी। चलो बाहर आओ। ठीक है ना बेटा? और राधिका कहाँ है? देवरानी जी आपको छुड़वाने के लिए सबूत ढूंढने गई हैं। सुजाता तो सुबह से गायब है, शायद किसी मंदिर के चौकट पर अपने बेटे की रिहाई की दुआ मांग रही हो। पापा, आई एम रियली सॉरी, आप सब लोगों को मेरी वजह से इतनी परेशानी हो रही है। नहीं बेटा, तकलीफ कैसी? तू बस ठीक ठाक घर वापस आ जा, सब ठीक हो जाएगा। ओके सर, अभी बात आत्मा मेरे बेटे की सुनवाई, कोई तो सबूत मिला होगा ना? कुछ सोचा है आपने? मैं बेटे को नहीं खो सकता। जी मुझे अदालत पहुंच गए होंगे, पर अभी तक नानी जी नहीं आई, क्या करें हम? हे भोलेनाथ, दिव्यम जी को बचाने का ये आखिरी मौका है हमारे पास। अगर हमारी भक्ति में, हमारी श्रद्धा में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई दिखती है तो इस बार हमें निराश मत कीजिएगा। प्लीज नानी को यहाँ ले आइए भोलेनाथ। आपको देख के ऐसा लगना चाहिए कि आप पुलिस से छुप रही हैं, तब जाके उन्हें यकीन होगा। हम जाके छुपते हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड। बोलो भैया, मम्मी को फोन लगाइए। हेलो हेलो चाची जी, अब दिव्यम को आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, अभी हम किसी से बात नहीं कर सकते। तुम बस कुछ भी करके कुछ वक्त के लिए हेयरिंग को रोक करके रखो, हम मुन्ना को बचाने का सबूत साथ में लेकर के आ रहे हैं। नानी का खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।